मैं अपनी बहनों को निवेदन करना चाहूंगा, बात तुम्हारे ससुराल में कोई बात हुई है जन्म देने वाली, उस मां को भी अपनी उन बातों को मत बताना जिसमें ससुराल को कहीं नीचा ना देखना पड़े। जन्म देने वाली मां को भी मत बताना, भले ही आलू के रसा से रोटी खाई है, बोलो ना मम्मी आज तो बड़ा आनंद आया, इतना स्वादिष्ट मटर पनीर बना है, इतना आनंद आया है, भले ही रोखी पुदीना की चटनी से खाइए। ऐसी ग्रहणियां घर को स्वर्ग बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है खाने पीने से, छोटी छोटी बातें। सास दौरानी ने कहा, सासू ने, वो पूरी पूरी घंट। और जब से जियो फ्री चला तब तो बहनों के पास एक और काम बढ़ गया, नया फोन ही नहीं हटता। सुबह फोन किया, पापा कैसे हैं, फिर झाड़ू लगा के गया मम्मी, अब उसको ध्यान भी नहीं है कभी 20 मिनट पहले किया था फोन, पापा कैसे हैं, फिर उसने 10:15 बजे परांठा आलू का बना खुला खुलू के, पापा कैसे हैं, अब हर 10 मिनट में पापा को जुकाम हो रहा है, बार बार पूछते हैं पापा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो बहने ससुराल पहुंचकर अपने पियर को बहुत याद करती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं वो आनंद के साथ ससुराल में रह ही नहीं सकती। फोन तब कीजिए जब तुम्हारे फोन का इंतजार हो, बहुत दिन हो गए बुआ का फोन नहीं आया, इतने दिन हो गए बेटा एक बार फोन करके तो देख बबली का फोन क्यों नहीं आया, बबली के फोन का इंतजार करना पड़े तब फोन करो। तुम्हारा इंतजार हो, हर इतवार को छुट्टी का दिन है, चलो चलो घर चलते हैं, और हाथ उठा करके बैग पहुंच जाते तो बच्चे भी बोलते आजकल बुआ तो बिल्कुल ब्रेस के पास तो कोई काम ही नहीं होता, बुआ याद नहीं, बुआ हर 8 दिन में 2 बार आ जाती, तो बुआ इतनी सस्ती हो गई है। ये भतीजे इंतजार करते रहे, आपकी प्रतीक्षा हो, रक्षाबंधन आ रहा है, भाभी 100 बार फोन करे, हाँ और क्या, कोई रोड पे सड़क पे थोड़ी पड़े हो कि थैला उठा करके पहुंच जा, हम आ गए रक्षाबंधन पे, लाओ हाथ आगे करो, राखी बंधवा लो, जी हम आ गए, जी हम आए 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 हम आए, इतने सस्ते हैं आप। प्रतीक्षा हो, इंतजार। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, आप मेरी बहन है, मेरे भगनी आप, बहन की चिंता किसको नहीं होती, सबको होती, इसलिए आपके पक्ष में मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन आप मेरी बहन हैं तो ये मेरी माँ भी तो हैं, अपनी माँ को कैसे भूल जाऊंगा, तो मैं इनका ठीक से सम्मान नहीं करोगे तो मैं तुमको लड़ जाऊंगा, याद रखना। हाँ इसलिए इन वृद्ध माताओं का सम्मान कीजिए, इनका आदर कीजिए, और ये ज्यादा समय की नहीं है, कोई 2 साल की है इनमें, कोई 4 साल की है, कोई 5 साल की है, और कुछ ही समय के मेहमान हैं, इनके पास बैठो, इनके मन की सुनो, इनके हृदय की सुनो, अपने खर्चों में कटौती करके इनकी दवाई इत्यादि की व्यवस्था करो, इनकी अपने पति को बोलो माँ जी के पास बाबूजी के पास थोड़ा रोज बैठा करो, प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद मेरी व्यासपीठ पर नहीं होगा, जो आशीर्वाद इन वृद्धों के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपकी झोलियां भर